हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हम लोगों को नीचे एक टेबल दिया गया है जिसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। उससे पहले हम लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस समझना होगा। तो चलिए पहले हम लोग उसे समझते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से भी डिनोट करते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैंने 5 रुपये में खरीदा था, ओके। तो खरीदने वाले प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, दैट इज सीपी। तो खरीदने के समय जो पैसा हम लोग पे करते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब आते हैं बेचने पर। तो जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो बेचने वाले दाम को हम लोग सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं, डैट इज एसपी, ओके। हम लोग उसे एसपी कहते हैं मैथमेटिक्स के भाषा में। और यदि फूल हम लोग देखें तो हम लोग उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, ओके। अब देखिए, एक होता है लॉस और एक होता है प्रॉफिट। मान लीजिए मैंने इस पेन को 5 रुपये में ख़रीदा था, तो मैं इसे यदि 2 रुपये में बेच दूं तो मैंने जितने में ख़रीदा था उससे कम में मैंने बेच दिया, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि खरीदने वाला प्राइस बेचने वाले से ज़्यादा हो, यदि खरीदने वाला प्राइस बेचने वाले से ज़्यादा हो तो लॉस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे 5 रुपये में ख़रीदा, 2 रुपये में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, ओके। और दूसरा केस क्या हो जाता है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का केस में क्या होता है, मैंने इसे 5 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, मतलब मैंने यहाँ पे फायदा रखा है, ओके। कितना का फायदा रखा, 5 रुपये का। तो वो कैसे निकलता है वो देखते हैं। देखिए, यदि हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एसपी में सीपी को माइनस करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैंने 10 रुपये में बेचा था और 5 रुपये में मैंने खरीदा था, तो 10 - 5 करेंगे तब ना प्रॉफिट आएगा। सिंपल सा बात है, यदि हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं और किसी चीज़ को बेचते हैं और प्रॉफिट रखते हैं तो बेचने वाला दाम ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सा बात है, तब ना हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट कह सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ लॉस हो जाएगा। और दूसरा केस होता है लॉस का, जिसमें हम लोग सीपी माइनस एसपी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीपी होता है वो बड़ा होता है और एसपी जो होता है वो छोटा होता है, ओके। क्योंकि हम लोग खरीदते ज़्यादा में हैं और बेचते कम में है, तो बस यही आपको समझना है। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। यदि सीपी ज़्यादा तो लॉस होगा, यदि एसपी ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का तरीका एसपी माइनस सीपी, एंड लॉस निकालने का तरीका सीपी माइनस एसपी। अब ऊपर वाले टेबल में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको टेबल दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट और लॉस। देखिए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखना है और लॉस पे इस प्रकार से आपको डैश दे देना है, और जहाँ पे आपको लॉस होगा वहाँ पे आपको सिर्फ लॉस लिखना है, प्रॉफिट पे आपको डैश दे देना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 545 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 630। देखिए, इसको निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट होगा तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉफिट होने पे क्या होता है कि जो सीपी होता है वो एसपी से छोटा होता है, सीपी जो होता है वो एसपी से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, सीपी इज लेस देन एसपी, एसपी इस केस में बड़ा रहेगा। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि एसपी बड़ा है कि सीपी। तो 545 बड़ा है या 630, तो ऑब्वियस सवाल है 630 बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना का हुआ, जितना का प्रॉफिट होगा उसे हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। अब देखिए, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 630 और सी पी कितना है 545। तो 630 स्टूडेंट्स माइनस का 545 इश, ओके। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 85, तो ₹85 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम लोग लॉस पे यहाँ पे एक डैश दे दिया। दूसरा दिया गया है बी में, सेलिंग प्राइस 45 और सॉरी कॉस्ट प्राइस 45 है और सेलिंग प्राइस 58 है। तो गाइस देखो, अब हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखना पड़ा है कि सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यहाँ साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो एक ही चीज़ होता है, दैट इज प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी वही केस बना, इसलिए हम लोग 58 में डिस्टाइम माइनस करेंगे 45, जितना आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। माइनस करने पर हमारे पास आ गया ₹13। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ₹13 का प्रॉफिट हुआ और लॉस पे इस प्रकार से डैश दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो ही नहीं रहा है। अगला दिया गया सी में, ₹146 है कॉस्ट प्राइस और ₹135 है सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। देखिए, सीपी है 146 और एसपी है 135। तो जब भी सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे लॉस हुआ है। अब हम लोगों को लॉस फाइंड करना है, तो लॉस फाइंड करने का क्या तरीका है, सीपी माइनस का एसपी। तो सीपी है 146 एंड एसपी है 135,
CPA 146 एंड SPA 145 सॉरी 135, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। तो रुपीज 11 का हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से डैश दे देंगे। अगला दिया गया है डी। डी में क्या दिया गया है, CPA है 1300 और SPA है 1420। मतलब यहाँ पर भी CP कम है और SP ज़्यादा है, ऐसे केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1420 में 1300 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट रुपीज़ 120 और लॉस की जगह पे हम लोग इस प्रकार से डैश दे देंगे। ओके अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, कोस्ट प्राइस 2500 और सेलिंग प्राइस 2350, इसका मतलब है 2350। ओके अब देखिए हम लोग यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि कोस्ट प्राइस कम है ज़्यादा है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, तो ऐसा केस जब भी बनता है स्टूडेंट्स तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, लॉस का केस को कंसीडर करते हैं। तो लॉस कितना का हुआ है, तो लॉस हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 150। तो रुपीज़ 150 का सॉरी यहाँ पे तो डैश जाएगा ना, यहाँ पे डैश जाएगा और लॉस की जगह पे जाएगा 150। तो लॉस की जगह पे हम लोग लिख देंगे 150, यहाँ पे मत लीजिएगा कहीं प्रॉफिट का जगह था। ओके लॉस के टेबल पे हम लोग लिखेंगे 150 और यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे हम लोग इस प्रकार से डैश दे देंगे। ओके बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को प्रॉफिट लॉस निकालना जानना था, कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है। ओके अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है, इफ कोस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज 50.50 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 65, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कहा जा रहा है यदि कोस्ट प्राइस किसी बुक का 50.50 है और उसका सेलिंग प्राइस रुपीज 65 है, तो हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बस हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम आ गया है और यहाँ पर हम लोगों को इस प्रकार से दिया गया था। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं। चलिए हम लोग इसे कॉपी में स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सीपी ऑफ बुक, या फिर पूरा लिखते हैं कोस्ट प्राइस ऑफ बुक, बुक का कोस्ट प्राइस कितना है इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, बुक का सेलिंग प्राइस कितना है ऑफ बुक। देखिए हम लोगों को कोस्ट प्राइस दिया गया रुपीज 50.50 एंड हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया गया स्टूडेंट्स 65 रुपीज़ 65 हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। हम लोगों को क्या फाइंड करना, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि सीपी बड़ा है या फिर एसपी। तो सीपी दिया गया है 50.50 और यहाँ पे एसपी दिया गया आपको 65। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि सीपी छोटा है एसपी से और इस केस में एसपी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है। ओके भाई हम लोगों को फाइंड करना है, तो प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका क्या है, प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका है सीपी सॉरी एसपी माइनस का सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है आपके पास 65 एंड सीपी आपके पास है 50.50, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 14.50। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 14.50। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कहा क्या है, इफ कोस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल इज रुपीज 195 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डॉल इज रुपीज 181.50, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कोस्ट प्राइस डॉल का 195 एंड सेलिंग प्राइस है 181.50, तो हम लोगों को फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। यदि प्रॉफिट हुआ है तो कितना का हुआ है, यदि लॉस हुआ तो कितना का हुआ है। चलिए इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कोस्ट प्राइस ऑफ डॉल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डॉल। तो कोस्ट प्राइस ऑफ डॉल दिया गया रुपीज 195 एंड आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 181.50। ओके यहां पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको सीपी दिख रहा होगा कि बड़ा है और एसपी छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, एसपी से सीपी बड़ा है। तो हम लोग ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ऐसे केस को बोलते हैं इट इज अ केस ऑफ लॉस। यहाँ पे हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि लॉस हो रहा है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि लॉस कितने का हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, एंड सीपी दिया है 195 एंड एसपी दिया है 181.50।
तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.50। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है 13.50 का। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस लॉस ऑफ रुपीज 13.50। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज रुपीज 19 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 24, इज देयर अ गेन और लॉस हाउ मच। कहा जा रहा है एक पेन का कॉस्ट प्राइस दिया गया है 19 एंड उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है रुपीज 24। हम लोगों को फाइंड करना है कि गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, जो भी हुआ है कितना का हुआ है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज 19 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज 24। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सीपी जो है वो एसपी से छोटा है, इट मीन्स एसपी जो है वो वहाँ पे बड़ा है। तो एसपी की तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्रेटर देन का साइन रख दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वही लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ केस ऑफ केस ऑफ इस बार गेन लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गेन दिया गया है, गेन का ये मतलब प्रॉफिट ही होता है। ओके, गेन का भी मतलब प्रॉफिट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गेन लिखा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, वहां पे हम लोगों ने बस लिख दिया गेन कितना का हुआ, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी है रुपीज 24 एंड आपको सीपी दिया गया है रुपीज 19, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा रुपीज 5। तो SP जो है वो CP से यहाँ पे क्या था, बड़ा था। जब भी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 का हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेटमेंट नीचे में इज अ केस ऑफ प्रॉफिट बाय रुपीज 5। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख दिया हेंस इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट बाय रुपीज 5। अब हम लोग डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज रुपीज 12,450 इफ द सेलिंग प्राइस इज 12,075, व्हाट इज द गेन और लॉस। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वॉशिंग मशीन का वो 12,450 है और सेलिंग प्राइस 12,075 है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर कितना का गेन हुआ है कितना का लॉस हुआ है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में, वही मैं आपको यही बता दूंगा कि गेन हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स डी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉस्ट प्राइस 12,450 एंड सेलिंग प्राइस 12,075। अब हम लोग देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि सीपी बड़ा और एसपी छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी और यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ लॉस, इट इज अ केस ऑफ लॉस। इस स्टेटमेंट को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इस स्टेटमेंट को जरूर लिखें। अब देखिए लॉस आ गया, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माइनस एसपी क्यों होता है, मैंने आपको बताया क्योंकि सीपी जो है वो बड़ा होता है इस केस में एसपी से। ओके, और जब प्रॉफिट होता है तब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो सीपी कितना है 12,450 एंड एसपी कितना है 12,075। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज 375। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस लॉस बाय रुपीज 375। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको आगे के वर्कशीट्स का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग आगे के वर्कशीट्स को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आगे के वर्कशीट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।